आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अपना घर सबको प्यारा होता है, मुझे भी था, मगर फिलहाल मेरा घर बन रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर दिक्कत तब आ गई जब घर बनाने के लिए ईंट वगैरह सब कुछ साइट पर गिराया गया। दरअसल जिस जगह पर हमारा घर बन रहा था, वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ खुला मैदान होने की वजह से ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह चोरी होती है। पहले पहले तो हमें कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि हमने तकरीबन 50,000 रुपयों का सामान साइट पर गिरवा लिया था। तो अब रात में उन सामानों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही थी, जिस पर पापा ने मुझसे कहा, रोहन बेटा एक काम करो, आज रात तुम साइट पर ही रह जाओ, हजारों रुपए की बात है, बस आज रात भर रुक जाओ, कल से मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। पापा की बात पर ना बोलना तो मैंने सीखा ही नहीं था, जिस वजह से मैं तुरंत राजी हो गया। साथ ही मैंने अपने एक दोस्त आकाश को भी मेरे साथ साइट पर रुकने के लिए मना लिया। आकाश मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो मान भी गया। जिसके बाद अंधेरा होते ही मैं और आकाश साइट पर पहुंच गए, क्योंकि मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने और आकाश ने मिलकर मेरे प्लॉट के ठीक सामने वाले प्लॉट में ही किसी तरह त्रिपाल बोरा वगैरह बांधकर एक टेंट बनाया और उसी के अंदर घुसकर बैठ गए, क्योंकि वहां आसपास कोई घर नहीं था सिवाय एक पुराने टूटे फूटे घर के, जिसमें कोई रहता नहीं था। हमने जिस जगह पर अपना टेंट बनाया था वहां से हमें सारा सामान भी दिख रहा था और अपना प्लॉट भी। हालांकि अब तक मुझे और आकाश को किसी भी तरह की कोई तकलीफ पेश नहीं आई थी, मगर हम जानते थे कि यहाँ रात भर रहना इतना आसान नहीं होगा, और इस ठंड के मौसम में तो कतई नहीं, और ऊपर से चारों तरफ खुला होने के कारण ठंड और भी ज्यादा लगेगी। खैर और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए हम किसी तरह से चुपचाप टेंट के अंदर बैठे रहे। रात धीरे धीरे गहरी रात में तब्दील हो रही थी, और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे वैसे ठंड ने अपना रंग बदलना चालू कर दिया था। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुझे और आकाश हम दोनों को ही तेज भूख लग गई, क्योंकि हम रात का खाना लेकर नहीं आए थे, जिस वजह से अब हम दोनों में से किसी एक जन को मेरे घर खाना लाने जाना पड़ेगा। मैंने सोचा आकाश को खाना लाने भेज देता हूँ, अगर मैं गया तो पता नहीं वो सामानों की देखभाल सही से करेगा या नहीं। यही सब सोचकर मैंने आकाश को खाना लाने के लिए मेरे घर भेज दिया। आकाश के चले जाने के बाद अब उस पूरे इलाके में शायद मैं ही अकेला आदमी था, बाकी दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने सोचा टेंट से बाहर निकलकर थोड़ा टहलता हूँ, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। यही सोचकर मैं टेंट से बाहर निकला और अपनी ज़मीन के अगल बगल ही टहलने लगा। अभी मैं टहल ही रहा था कि तभी मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दीवार पर करनी चला रहा हो। करनी मतलब वो औजार जिससे घर की दीवारों को प्लास्टर किया जाता है। पर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ आसपास ऐसा कोई अंडर कंस्ट्रक्शन घर ही नहीं था जिसका प्लास्टर हो रहा हो, और अभी रात के 10 बजे कौन मिस्त्री प्लास्टर करेगा। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा, मगर जब वो आवाज़ लगातार आती रही तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि आवाज़ असल में कहीं से आ रही है। लेकिन कहाँ से ये जानने के लिए मैं चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाने लगा।
तभी जब मेरी नजर उस पुराने से टूटे फूटे घर पर गई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि जो घर अभी कुछ घंटों पहले तक बंद था, पता नहीं कैसे उस घर का दरवाजा अब अपने आप ही खुल चुका था। मगर यह कैसे हो सकता है? आखिर उस घर का दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल सकता है? और उससे भी अजीब बात तो ये थी कि उस घर के अंदर एक लाइट जल रही थी, क्योंकि उस घर के खुले हुए दरवाजे से घर के अंदर जल रही ट्यूबलाइट की रोशनी घर के बाहर आ रही थी। हैरान होकर मैं उस घर के करीब जाने लगा, ये देखने के लिए कि क्या सच में वो आवाज इसी घर से आ रही है। अभी मैं उस घर की तरफ दो कदम बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि कंधे पर हाथ रखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त आकाश है। वो खाना लेकर वापस आ चुका था। मैंने सोचा आकाश को वो घर दिखाता हूँ, हो सकता है उसे उस घर के बारे में कुछ मालूम हो। ये सोचकर मैं उस घर की ओर पलटा और आकाश को कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस घर के सभी खिड़की दरवाजे अब बंद थे और घर में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर पल भर में ही सब कुछ कैसे बदल गया। खैर, शायद मेरे मन का वहम होगा, लिहाजा मैं और आकाश वापस अपने टेंट में आकर खाना खाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद आकाश ने मुझसे कहा, सुन, अगर हम दोनों सो जाएंगे तो सही नहीं रहेगा, एक एक करके सोते हैं। मुझे भी आकाश की ये बात ठीक लगी, एक एक करके सोएंगे तो सामानों की पहरेदारी सही से हो पाएगी, जिस वजह से पहले बारी आकाश की थी। पहले 4 घंटे आकाश सोएगा, लिहाजा आकाश टेंट के अंदर ही पसर गया और मैं टेंट में बैठे बैठे सामानों की पहरेदारी करने लगा। रात अब काफ़ी हो चुकी थी, घड़ी की माने तो तब रात के 11 बज रहे थे। आकाश सो चुका था क्योंकि उसके खर्राटों की आवाज़ पूरे फिजा में गूंज रही थी। अगर मैं सोने की कोशिश करूं तो भी नहीं सो पाऊंगा, उसके खर्राटों की आवाज़ मुझे इतना परेशान कर रही थी। अभी मैं टेंट के अंदर बैठे बैठे बाहर के सामानों को देख ही रहा था कि तभी फिर से मुझे उसी तरह की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दीवार पर करनी चला रहा हो। अब ये तो पक्का था कि ये मेरा वहम नहीं है, ज़रूर उस घर में काम चल रहा है। मगर फिर उस घर में आखिर इतनी रात गए कौन मिस्त्री काम कर रहा होगा? सवाल तो यही आ जाता है। लिहाजा मैं टेंट से बाहर निकला और उस घर की तरफ देखने लगा तो पाया कि अब उस घर की लाइटें जल रही हैं और उसी घर से आवाज़ आ रही है, जिसके बाद मैं उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। भले वो घर मुझे मेरे प्लॉट से नज़र आता हो, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी चलना पड़ा। चलकर मैं जब उस घर के दरवाजे पर रुका तो पाया कि घर के अंदर प्लास्टर का काम चल रहा है, 2 लोग दीवार पर सीमेंट पोत रहे हैं और करनी चलाकर प्लास्टर कर रहे हैं। मगर अजीब बात तो ये थी कि वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो लोग आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी दीवारों को प्लास्टर कर रहे उस आदमी ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ा दिया और छत के पास 10 फीट ऊपर प्लास्टर करने लगा। साथ ही उन लोगों का चेहरा भी अब काफ़ी खौफनाक हो चुका था। मुझे समझ आ गया था कि हो ना हो दाल में कुछ काला तो है, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागकर मैं सीधे अपने टेंट में आया। किसी तरह से मैंने पूरी रात टेंट में ही गुजार दी।
उस पूरी रात ना ही मैंने आकाश को जगाया और ना ही खुद सोया। अगली सुबह हम दोनों सीधे अपने अपने घर पहुंचे। बाद में जब हमने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल उस घर को बनाते समय एक दुर्घटना में वहां मौजूद दो मजदूरों की मौत हो गई थी। तब से वो घर ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि आज भी उन दोनों मजदूरों की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। वो घर काफी सालों से ऐसे ही पड़ा है, मगर आज तक उन मजदूरों की आत्माओं ने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।